अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त राना अज़ल और आप देख रहे हैं अज़ल ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। आज किस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम किसी अर्निंग एप्लीकेशन या वेबसाइट के बारे में बात नहीं करने जा रहे, बल्कि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी छोटी सी एप्लीकेशन के बारे में जिससे आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में PSL 4 के तमाम मैचेस लाइव देख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एक सिर्फ और सिर्फ 6 MB की एप्लीकेशन है, आपने उसको इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में। आप उस एप्लीकेशन के ज़रिए बहुत ही कम इंटरनेट में PSL 4 के तमाम मैचेस लाइव देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप PSL 4 के तमाम मैचेस लाइव देखें अपने एंड्रॉइड मोबाइल में, तो उसके लिए आप लोगों ने एक मरतबा इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो बगैर टाइम से कि आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस वीडियो के नीचे इस तरह के लाल बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो बेल आइकन का ऑप्शन आएगा आपने उस पर लाजमी क्लिक करना है। इससे फायदा ये होगा कि फ्यूचर में हम जब भी इस तरह की कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपने इसके सर्च बार में टाइप करना है GOONG GOONG। ये देखें, इस तरह की आप लोगों को एक एप्लीकेशन मिल जाएगी। सबसे पहले तो हम इसका MB साइज़ देख लेते हैं कि ये एप्लीकेशन जो है कितने MB की है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सी एप्लीकेशन को इस वजह से इंस्टॉल नहीं करते। वो कहते हैं कि यार ये जो एप्लीकेशन होती है इनमें MB ज़्यादा खर्च हो जाती है इनको डाउनलोड करने में। ये देखें डाउनलोड, और उसके बाद ये देखें डाउनलोड साइज़ कितना है, 5.35। ये देखें आप लोगों के सामने, यानी सिर्फ और सिर्फ 5 MB की एप्लीकेशन है। आप लोगों ने इसे इंस्टॉल कर लेना है और आप लोग इसकी रेटिंग भी चेक कर सकते हैं कि 4.2 की इसकी रेटिंग है और तकरीबन 1 मिलियन लोगों ने, 10 लाख लोगों ने इसे इंस्टॉल किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो ये देखें अभी इंस्टॉल हो रही है मेरे पास, तो इंस्टॉल हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने इसे किस तरह से यूज़ करना है। ये देखें अभी ये एप्लीकेशन मेरे पास इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। आपने भी इसे ओपन कर लेना है। ये देखें कुछ इस तरह से इसका लेआउट होगा। तो आपने इसे ओपन करना है और उसके बाद एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपने ये देखें फिल्टर वीडियोस आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है और ये इसका लेआउट यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। और मज़े वाली बात यह है कि इस एप्लीकेशन में कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, यानी अकाउंट बनाना लाजमी नहीं है इसको ओपन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप न्यूज़ भी देख सकते हैं, लेटेस्ट न्यूज़, कॉमेडी भी देख सकते हैं, कॉमेडी वीडियोज़ और लाइव भी देख सकते हैं और क्रिकेट भी देख सकते हैं। तो हम बात करने वाले थे कि हमने PSL 4 को लाइव देखना है, PSL 4 के तमाम मैचेस को लाइव देखना है, तो वो हम किस तरह से देखेंगे। तो ये देखें यहाँ पर आप लोगों को ये जो 3 लाइनें बनी हुई हैं ऊपर लेफ्ट साइड की तरफ, आपने क्या करना है, इन पर क्लिक कर देना है। इन पर क्लिक करने के बाद ये देखें चौथा ऑप्शन मिलता है लाइव वाला, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये देखें लाइव वाला, आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पाकिस्तान के जितने भी चैनल हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स वाले चैनल हैं या ड्रामे या फिल्मों वाले चैनल हैं, ये देखें वो सारे के सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने तो PSL 4 के मैचेस देखने हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है PTV सपोर्ट। पहले आपने लाइव वाले ऑप्शन में आना है और नीचे ये देखें PTV सपोर्ट, आप लोगों ने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मेरे पास PTV सपोर्ट लाइव चल चुका है। तो इस तरह आप लोगों के पास भी PTV सपोर्ट लाइव चल जाएगा। अब जब भी पाकिस्तान की किसी भी टीम का, यानी PSL की किसी भी टीम का मैच लगे, आप किसी भी टीम को सपोर्ट करते हैं और आप उसका मैच देखना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, इस छोटी सी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लें और उसके बाद आपने क्या करना है, इसे ओपन करके लाइव वाले ऑप्शन में आ जाना है। लाइव वाले ऑप्शन में आने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ PTV सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है या यहाँ पर ये देखें पहला चैनल लिखा हुआ है PSL 2019 लाइव स्ट्रीम, आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो PSL का जो मैच हो रहा होगा वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, यानी आप उसको लाइव देख सकेंगे। और मजे वाली बात यह है कि इस एप्लीकेशन में जो चीज़ मर्जी आप लाइव देखें, मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आपके पास 3G इंटरनेट चल रहा है तब भी आपके पास ये जो वीडियो होगी ये रुक के नहीं चलेगी, बल्कि कंटिन्यूसली ये वीडियो चलती रहेगी, यानी स्टॉप नहीं होगी कहीं पर भी। तो आपके पास अगर इंटरनेट कम स्पीड में होता है, आप किसी देहाती इलाके में रहते हैं या किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर इंटरनेट के सिग्नल का प्रॉब्लम होता है, तो आप वहाँ पर इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आप लोगों को इस एप्लीकेशन के ज़रिए PSL के तमाम मैचेस देखने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है एक तो खुद भी छोटे साइज़ की है, जगह भी कम लेती है और उसके साथ साथ बहुत कम इंटरनेट की स्पीड में ये एप्लीकेशन PSL 4 के तमाम मैचेस हमें लाइव भी दिखा सकती है। तो मेरा मकसद यही था कि अगर आप लोग PSL 4 के तमाम मैचेस अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं तो आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को एक मरतबा लाजमी इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये गवर्नमेंट की तरफ से मंजूरशुदा एप्लीकेशन है, तो इसे आप काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और अगर आप PSL 4 नहीं देखना चाहते, उसके अलावा आप जो ड्रामे वगैरह के शौकीन हैं या फिर न्यूज़ के शौकीन हैं, तो आप वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।